आगरा से बड़ी खबर, जहां के कई मंदिरों में ड्रेस कोड लागू हो गया है। कैलाश महादेव मंदिर में असभ्य कपड़े पहनकर जाने पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालु मर्यादित कपड़े पहनकर ही अब मंदिर जा सकते हैं। मंदिर आस्था का केंद्र है, पिकनिक स्पॉट नहीं है, वहां के पुजारी का ये कहना है, और अमर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर जाने पर रोक लगा दी गई है। तो अब मंदिरों में भी ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। आगरा के कई मंदिरों में इसे लागू किया गया है। उत्तराखंड के मंदिरों की तर्ज पर आगरा में भी प्राचीन मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। इस समय मैं कैलाश महादेव मंदिर में मौजूद हूँ। सैकड़ों साल प्राचीन ये मंदिर है और बाकायदा ये जो नया नियम जारी किया गया है, इसके लिए यहाँ एक मैसेज भी लिखा गया है, एक होर्डिंग भी लगा हुआ है, जिसमें साफ लिखा है कि मंदिर में असभ्य कपड़े पहनकर प्रवेश वर्जित है। यानी अक्सर ये देखा जा रहा था कि कई सारे ऐसे जो युवक युवतियाँ जो असभ्य या कहा जाए जो जिसमें शालीनता नहीं होती, ऐसे कपड़े पहनकर मंदिर को पिकनिक स्पॉट बनाए हुए थे, इसलिए मंदिर प्रशासन ने ये कदम उठाया है। हमारे साथ महंत मनोज गिरी और महंत गौरव गिरी हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि इसके पीछे आपकी क्या सोच रही, क्योंकि अब आपने बड़ा बड़ा बैनर भी लगा बोर्ड लगाया है। हमने बैनर जो लगाया है ये अपने जो धार्मिक संस्कृति है, अपनी सनातन संस्कृति है, उसमें असभ्य कपड़े पहन के और धार्मिक स्थल पर आना अनुचित है। उसी हिसाब से अभी ये हमने अपनी तरफ से कोई वो रोक नहीं लगाई है, केवल आग्रह और निवेदन किया है लोगों से कि मंदिर के अंदर असभ्य कपड़े पहनकर आप लोग ना आए। तो आप देखिए, मंदिर में असभ्य कपड़े पहनने की बात कही गई है, तो गौरव जी आप ये बताइए कि असभ्य की परिभाषा क्या है, असभ्य कैसे कपड़े, मतलब किस तरह के कपड़े आप पहनेंगे तो आपको अंदर मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। हम अपनी हिंदू संस्कृति और सनातन को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि मंदिर में किसी भी गलत प्रकार के वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। उसका अर्थ ये है कि संपूर्ण रूप से वस्त्र भगवान के जो समीप, जो हम अपना मस्तक जो है केंद्रित कर सकें और औरों की आस्था का केंद्र बने, इस प्रकार के हम वस्त्र पहने। सर पर दुपट्टा हो, पुरुष जो हैं पजामा है, कुछ कुर्ता पहन सकते हैं, साड़ियाँ महिलाएं साड़ियाँ पहन सकती हैं, इस प्रकार आकर पूजा करें। हम देख रहे हैं कि देश और विदेश हमारी संस्कृति को अपना रहे, क्यों ना हम भारतवर्ष में अपनी संस्कृति को अपनाया जाए। तो देखिए, नया नियम लागू कर दिया गया है, अभी आग्रह और निवेदन किया जा रहा है, लेकिन अगर लोग मानेंगे नहीं तो सख्ती भी बरती जाएगी। ये साफ साफ इशारा मंदिर प्रशासन की तरफ से देखने को मिला है। तो कुल मिला के जिस तरह से उत्तराखंड के कई सारे मंदिरों में, वृंदावन मथुरा के कई सारे मंदिरों में, खासकर वेशभूषा को लेकर जो बंदिशें लगाई गई हैं, ऐसी बंदिशें अब आगरा के मंदिरों में भी देखने को मिल रही हैं। आगरा से कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।